औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 3.4 हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, उसके पहले दो जुज़ हमने कल हल किए थे, आज इसका ये तीसरा जुज़ हम हल करेंगे। सबसे पहले ये जो रकम दी गई है, इसको हम फ़र्ज किया कि ये बराबर, इसको हम रखेंगे एक्स के। ये जो रकम है फ़र्ज किया, ये बराबर है एक्स के। ये जो भी रकम है ये बराबर है हमारे पास एक्स के। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने करना है, ये जो एक्स है इसके शुरू में लॉग लिख देने, दूसरी साइड पे जो पूरी रकम है इसको ब्रैकेट में बंद करके पूरी रकम के शुरू में एक दफ़ा लॉग लिख देना। इधर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स बराबर लॉग, ब्रैकेट के अंदर पूरी रकम जो भी है जिस तरह भी है हम वैसे ही लिख देंगे, 0.678 और इधर 9.01 बटे में 0.0234। अब इधर लॉगरिथम के कवानीन हम अप्लाई करेंगे। पहला कानून है कि ज़रब में, ज़रब को जमा में बदलते हैं, और दूसरा कानून है तकसीम को तफरीक में बदलते हैं। तो दोनों ही कानून इधर अप्लाई होंगे। लॉग जो है वो हर रकम के साथ अलग अलग आ जाएगा, ये शुरू में लॉग एक्स जो है ये वैसे ही आ जाएगा लॉग एक्स बराबर, इधर आ जाएगा लॉग 0.678। ये जो ज़रब है ये पहले कानून के मुताबिक, लॉगरिथम के पहले कानून की रूह से ये जमा में चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा जमा और लॉग इसके साथ रकम जो है इसके साथ लॉग आ जाएगा लॉग 9.01। और उसके बाद ये जो रकम नीचे वाली तकसीम हो रही है ये तफरीक हो जाएगी, माइनस लॉग 0.0234 लॉग ऑफ एक्स बराबर। अब हमारे हमने इसकी जो लॉगरिथम टेबल में हमने हम इसकी कीमतें देखेंगे, इसका हवाले का काम है इधर 6 के बाद और इशारे लगा हुआ एक दर्जा पहले, इसका खासा हो जाएगा एक बार, इसका इशारे आएगा लॉगरिथम टेबल में। अब हमने देखना है 67 को 8 में देखना है, तो लॉगरिथम टेबल में जब हम 67 को 8 में देखें तो वो आ जाएगा 83 8312 83 83 12 83 12 ये आ जाएगा। नेक्स्ट ये जमा है, इसका हवाले का मुकाम है 9 के बाद, उधर ही इशारिया लगा हुआ है, जिधर हवाले का मुकाम है उधर ही इशारिया लगा हुआ है, तो इसका खासा हो जाएगा 0। इसके बाद इशारिया हो जाएगा लॉगरिथम टेबल में 90 को देखना है 1 में, 90 को 1 में इशारिया, जिधर भी हो हवाले का मुकाम जिधर भी हो लॉगरिथम टेबल में पहली दो रकमों को तीसरे नंबर में देखते हैं, 90 को 1 में देखेंगे तो वो आ जाएगा 95 47। माइनस अब इसका हवाले का काम है इधर 2 के बाद, हवाले का काम लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके बाद हवाले का काम होता है, ये 0 है इसके बाद नहीं, ये 2 है इसके बाद, इधर हवाले का काम आएगा इशारिया, इससे हवाले का काम से 2 दर्जे पहले इशारिया लगा हुआ है, तो इसका खासा हो जाएगा 2 बार, कितना खासा बन जाएगा इसका 2 बार इशारिया। अब लॉगरिथम टेबल में हमने देखना है 23 को 4 में, तो जब 23 को 4 में देखेंगे तो वो बन जाएगा 36 92 ये आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट इसको हम हल करते हैं, 1 बार इशारिया 83 12 ये वैसे रह जाएगा जमा 0.95 47 ये भी रह जाएगा वैसे ही, ये मनफी की अलामत है और जो इसका खासा है वो भी मनफी का 2 है, खासा 2 बार है, 2 बार से मुराद है कि मनफी 2 है, ये मनफी की अलामत और 2 बार जो खासा है, तो ये मनफी और ये मनफी जमा बन जाएगा, इधर आ जाएगा जमा का 2, तो इसका खासा हम अलग कर देंगे और जो मनतीसा है इशारे वाली रकम नेक्स्ट वो अलहदा साथ में हम दर्ज कर देंगे। ये जमा 2 किस तरह हो गया, इसका खासा था 2 बार, 2 बार से मतलब मनफी 2, ये बाहर की रकम मनफी की है, ये मनफी की रकम और 2 बार जो खासा है, मनफी ने मनफी को जमा में चेंज कर दिया, तो 2 जमा का 2 हमारे पास इधर रह जाएगा, और ये जो इसका नेक्स्ट मनतीसा है बाहर वाले मनफी की जो अलामत है वो इसके साथ भी है, तो वो ऐसे रह जाएगा माइनस 0.3692। अब इनमें इसको हम हल करते हैं, जो रकमें इसमें जमा की हैं उनको हम अलहदा जमा कर लेंगे और जो मनफी की हैं उनको उसमें से हम तफरीक कर लेंगे,
तो इसको हल करते हैं हम। तो ये जो है एक बार जो इसके शुरू वाला है इसको भी हम शुरू में मनफी एक लिख देते हैं, ऐसे इधर ये जो एक बार ना इसको भी मनफी एक लिख देते हैं और जमा आ जाएगा एक बार ये शुरू वाला, इसको भी मनफी एक लिख दिया। यानी जब खासा जो है वो बार वाला बन जाए तो वो खासा अलहदा कर देना और मंटी सा अलहदा कर देना। एक बार को हमने मनफी एक लिख दिया और ये जो रकम है जमा जमा बन जाएगा शारिया 8312। अब तीन रकमें जमा वाली हो गई, ये वाली और ये वाली, तीनों रकमें जमा की, इनको हम तीनों को जमा कर लेंगे और फिर इसमें से ये जो नेक्स्ट जो जो रकमें हैं वो तफरीक कर देंगे। तो राफा मल भी हम इधर कर लेते हैं, दो दो शरे ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये वाला जो दो है ये आ जाएगा ज़ीरो। फिर नेक्स्ट और क्या है, पॉइंट 8312 ये आ जाएगा इधर से, फिर ये आ जाएगा पॉइंट 9547। इन तीनों का हम जमा कर लेंगे, ये तीनों रकमें हैं जमा की। तो ये 7 और 2 9 हो जाएंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएंगे, 9 और 8 17 7 1 8 2 और 1 3। तो ये बन गया 3.7859। अब ये जो मनफी एक है ये वाला शुरू वाला मनफी एक, इसमें से अब ये मनफी एक तफरीक कर लेते हैं ऐसे, एक के बाद इशारे नहीं है तो 0 0 लगा लेंगे। ये वाला जो एक है ये इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो क्या जवाब रह जाएगा 9587। 3 में से एक निकालना तो रह जाएगा 2। अब ये भी माइनस हो गया। अब एक माइनस वाली रकम और है वो ये है, इसको भी हम इसमें से माइनस करते हैं। ये पहले वाली जो रकमें सारी थी उनको हमने प्लस किया था, ये सारा 1000 रुपये हमने करना है राफा मल में। वो तीनों रकमें जमा की थी, ये वाली 1 2 3 तीनों जमा की हैं, ये वाली मनफी किया ये वाली मनफी किया, जमा करके तीनों को पहले हमने ये माइनस एक उसमें से तफरीक कर ली, ये जवाब आ गया। अब ये जो जवाब आया उसमें से ये जो रकम है 0.3692 इसको हमने इसमें से तफरीक करना है। ये इसके शुरू में 0 भी लगा सकते हैं, 3692 माइनस कर देना है इसमें से, 9 में से 2 निकालें तो 7, इधर से इधर हाथ लेंगे 15 15 में से 9 निकालेंगे तो 6, इधर 7 रह जाएंगे 7 में से 6 निकालें तो 7 में से 6 निकालें तो 1 रह जाएगा, और इधर 7 में से 3 निकालें तो 4 रह जाएगा, और इधर भी जो 2 है वो वैसे रह जाएगा 2.4167। ये इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा 2.4167, ये इसका जवाब आ गया। अब हमने इसमें से एक्स की कीमत मालूम करनी है तो इसके अलावा एंटी लॉग भी लिखनी है, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4167। इसका जो खासा है इसको हम करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो खासा है 2 और मंटीसा सही है तो ऐसा खासा होता है, और जो शारी वाला कसरी है वो इसका मंटीसा होता है, मंटीसा आ जाएगा हमारे पास 0.4167। अब एक्स की कीमत देखेंगे, एंटी लॉगरिथम टेबल में अब हमने देखना है, ये जो 0.41 है 0.41 को हमने 6 में देखना है, 0.41 को 6 में देख के और 7 का फ़र्क उसमें जमा कर देना है, ये देखना है हमने एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.41 को 6 में देख के 7 का फ़र्क जमा कर देना उसमें। तो जब ये देख के तो इसका फ़र्क जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 261 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको अब लगाएंगे हम शारिया 26.10 आता है। अब हवाले का मकाम इधर देखेंगे हमारे पास है 2 के बाद, इधर हवाले का मकाम है 2 के बाद, 0.41 को 6 में देके 7 का फ़र्क जब जमा करें तो वो आ जाएगा 26.10। अब हवाले का मकाम है 2 के बाद, खासा इसका 2 है, खासा 2 से मुराद गया जिधर हवाले का मकाम है उससे 2 दर्जे बाद हमें इशारिया लगा देना है। तो ये इसका जवाब आ गया 261.0, इसको हम 261 भी लिख सकते हैं, ये इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास।